हेलो फ्रेंड, मैं हूं हर्ष और आपका स्वागत है मेरे चैनल सेकंड एक्सप्लेनेशन में, जहां आपको हर मूवी और हर वेब सीरीज का मिलता है सेकंड सेकंड का एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं रिव्यू करूंगा मॉन्स्टर वर्स की एक और मूवी जो है हमारा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। जी हाँ, आज हम करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का रिव्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इंसान की फितरत होती है कि दूसरों की लड़ाई देखना, और लड़ाई ना हो तो करवा के वीडियो बना के मौज लेना। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ये खासियत सिर्फ भारत के लोगों में ही है, कि सिर्फ हम ही लोग मारपीट करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपका सोच बहुत गलत है। अगर ऐसा होता तो गॉडजिला सिर्फ हमारे भारत में ही चलता, ना कि पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये खासियत है कि दूसरों की लड़ाई देखना और उसका वीडियो अपलोड करने में पूरा मजा आता है। तो चलिए इस बकवास को साइड करते हैं, ये सभी की आदत है। हम भी देखते हैं लड़ाई और आप भी देखते होंगे लड़ाई, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की रिव्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने मॉन्स्टर वर्स की पिछली कोई मूवी नहीं देखी है तो ये मुझे समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है तो मॉन्स्टर वर्स की ये 4 या 5 मूवी देख सकते हैं जो कि मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया। अगर आपके पास ये 4 मूवी देखने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर देख सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि कोई मूवी जाके थिएटर में देखा जाए, तो आपके लिए ये मूवी मस्ट वॉच है, आप ये मूवी जाके थिएटर में देख सकते हैं। लेकिन आप इसको सिर्फ थिएटर में ही देखिए, क्योंकि जो मजा थिएटर में देखने में है वो मजा मोबाइल पे बिल्कुल नहीं आएगा। और एक बात, अगर आप थिएटर जा रहे हैं ये एक्सपेक्ट करके कि वहाँ एक यूनिक स्टोरी मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं। वहाँ वही घिसा पीटा स्टोरी जिसमें हर इंसान का असली फितरत दिखता है, हर मूवी में इंसान का ही कुछ फॉल्ट रहता है, जो कि इस मूवी में आपको दिख जाएगा, जिसके वजह से इस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में फाइट हुई है। लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट है कि कौन जीतता और कौन हारता है, तो आपके लिए ये मस्ट वॉच है। आप इसे जाएं और थिएटर में आराम से देख सकते हैं, ये मत सोचिए कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो फाइट इसमें है वो ओपी फाइट। और एक बात, बहुत सारे लोगों को गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर अच्छा लग रहा है इसके तुलना गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में सिर्फ मेन फोकस गॉडजिला और कॉन्ग पे दिया गया है, ना कि कोई इंसान पे। इंसान का कुछ छोटा छोटा रोल है लेकिन मेन कैरेक्टर है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। लेकिन गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जो स्टोरी दिखाई गई है वो स्टोरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से ज़्यादा अच्छी थी। उस जगह पे आपको ढेर सारे टाइटन भी देखने को मिलता था, इसलिए बहुत सारे लोगों को गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर अच्छा लगा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से। और एक बात, वॉर्नर ब्रदर के माइंड में मॉन्स्टर वर्स के आगे की फ्यूचर प्लानिंग ढेर सारी हो रही है, इसीलिए मेरा रिकमेंड यही है कि वो 4 मूवी आप जरूर देखें, ताकि आपको मूवी देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ ये रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं, और आप जाइए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखिए और पूरा मजा लीजिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें।